फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अभी ऑफिस में हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोचा है, आज तो नहीं लेकिन हम एक दो दिन में अपने ऑफिस का वाइट वॉश करवाने वाले हैं, और दिवाली की जो बाकी की प्रिपरेशन है वो भी हमारी स्टार्ट हो गई है। कुछ गिफ्ट्स हमने ले लिए थे, कुछ और उसके बाद लिए हैं, और कुछ अभी हमारे लेने के लिए है। तो बस ऐसे ही आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चला है। जब से हम करवा चौथ के बाद शिमला आए हैं, तो उसके बाद दो दिन हो गए हमें शिमला आए हुए, हमने कोई व्लॉग नहीं किया, बिकॉज हम लोगों का थोड़ा सा टाइट शेड्यूल हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल्स के बाद थोड़ा क्राउड भी रहता है काम का, और उस वजह से हम लोगों को थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता ही रहता है। एंड फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के घर पे भी दिवाली की सफाई रहती है, तो अब डीप क्लीनिंग घर की भी होने वाली है। ऑफिस का तो हम क्लीन करवा ही रहे हैं, विंडोज वगैरह भी सारी क्लीन करवा रहे हैं, जितने भी मिरर हम लोगों के यहाँ पे है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे दिवाली के लिए। क्योंकि सभी लोग अपने घर की सफाई तो करते करते, तो हम ऑफिस की भी करवा रहे हैं। ऑफिस की भी नो डाउट हर एक ऑफिस में क्लीनिंग होती है दिवाली के लिए, तो बस वैसी क्लीनिंग अभी हम लोगों की चलने वाली है। और मेरा मेन रीजन ये व्लॉग ऑफिस से शूट करने का ये भी था कि हम आफ्टर दिवाली स्टाफ को हायर करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास काफी सीट्स वेकेंट है, और अब हमने सोचा है कि हम थोड़े से चेंजेस ले आ देंगे अपने वर्किंग स्टाइल में भी, बिकॉज हम लोगों का यहाँ पे पैटर्न जो है वो नॉर्मली जैसे अदर कंपनीज का है वैसा हम लोगों का है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपना डिफरेंट पैटर्न करेंगे, लाइक इंसेंटिव्स को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, एंड बेसिक सैलरी को भी थोड़ा इंप्रूव करेंगे, थोड़ा क्या काफी इंप्रूव करेंगे, बिकॉज हम लोग ने खुद भी 8 साल काम किया है, तो हम लोग एक सैलरी पे मेन फोकस सभी का रहता है, और नो डाउट हमारी सैलरी हमें बहुत अच्छी पास्ट ऑफिस में मिली है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ ऐसा ही प्रोवाइड करवाए, एंड तो इसलिए हम थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं। हम फ्रेशर्स लोगों को तो हायर करेंगे ही करेंगे नो डाउट, बट हम एक्सपीरियंस्ड की तरफ भी जाने वाले हैं, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग भी आए, सो डैट ट्रेनिंग में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज अब सीजन आने वाला है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अप्लाई करना चाहता है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आप अपने हम लोगों को इंस्टा आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, रिज्यूम फॉरवर्ड करें, तो हम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे। एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों का रहेगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, एंड फिर हम लोग अगर ठीक लगता है तो फिर साथ में काम करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग मैगी खा रहे हैं ऑफिस में, पूरा स्टाफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सभी का बहुत बहुत स्वागत विकेतन पैराडाइज में। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स? बहुत ही खूब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग मैगी खा रहे हैं, स्टाफ पूरा स्टाफ हम लोगों का। थोड़ी सी अगर ये ना पानी होता ना इसमें, करी होती, नेक्स्ट टाइम हम आपके हाथ की खा लेंगे। फिर कुछ बन नहीं दिया, एक तो बना के भी दे रहे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत कष्ट होता होगा मैगी बनाने में, सबसे ज्यादा कष्ट होता, बहुत ज्यादा मैगी बनाने, पहले मैगी लानी पड़ती है, फिर पानी लगाना पड़ता है, भिगोनी पड़ती है। वैसे भिगोगे ना मैगी बहुत जबरदस्त बनती है, तड़के वाली भिगो के बनाती हूं। नेक्स्ट टाइम शालू के हाथ की तड़के वाली मैगी ऑफिस में खाई जाएगी, जिस तरह से चावल हम। तुम लोगों ने खा ली? अच्छी जी, प्रिया के हाथ की मैगी खा रहे हैं। मैंने मुझे ना ये बहुत पसंद है, खाती हूँ और पूरे स्टाफ को भी खिलाती हूँ। मार्केट घूम रहे हैं फिलहाल, हमें अभी देख रहे हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह, और यहाँ पे ब्रेड हम लोगों को मिल गई, तो यहाँ से ब्रेड परचेज कर लेते हैं। मैम क्या प्राइस है? 50 है ना? फ्रेंड्स, हम लोग आशियाना के बाद आ गए थे डायमंड, एंड यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटीज थी, मतलब जो पैकिंग यहाँ की है इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि मन करता है हर एक चीज़ खरीद लो, क्योंकि बहुत रीजनेबल रेट भी मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे आप हर साल हम लोग यहीं से खरीदते हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर दिवाली का भी हमने यहीं से खरीदा था, बट अभी मैं फ़िलहाल कुकीज़ ले रही हूँ, जो कि अपने घर के लिए ले रही हूँ खाने के लिए, और उसके बाद हम लोग सिटी पॉइंट भी गए, और सिटी पॉइंट सिंजौली में ओपन हुआ है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि हम लोग सिंजौली साइड बहुत कम जाते हैं, मतलब उस तरफ को जहाँ पर ओपन हुआ है, तो मुझे आज ही पता चला। तो हम सिटी पॉइंट आए, और यहाँ पर हमारी फेवरेट पेस्ट्री, जो चॉकलेट पेस्ट्री, जिसको हम स्पेशली मॉल से लेके आते हैं, या हिम बेकर से लेके आते हैं, या सिटी पॉइंट से लेके आते हैं, मॉल वाले सिटी पॉइंट से लेके आते हैं,
तो वो हमें यहाँ पे मिल गई थी, तो मैंने वो घर के लिए भी पैक करवा दी थी क्योंकि वो मेरी निकी दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद हम लोग गए मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में भी हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया बट वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं। तो बस यही थी हम लोगों की दिवाली की शॉपिंग, जो कि हम थोड़ी थोड़ी हर दिन कर रहे हैं और कुछ आइडियाज़ भी ले रहे हैं। हम लोग घर पहुंच गए थे और हमने जो शॉपिंग की, मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीजें रख दी है। निकी के लिए लाई थी पेस्ट्री जो कि निकी खा चुकी है और ये निकी की फेवरेट पेस्ट्री है, मैंगो जैम जो भी। और यहाँ पे हम ब्रेड लेके आए हैं आशियाना से, काफी अच्छी लग रही थी, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी है। इसके साथ में वो भी है यार, इसमें उसकी वो आ रही है फ्रेग्रेंस गार्लिक की नहीं सॉरी क्या बोलते उसको, लहसुन की, वही होता है गार्लिक। गार्लिक तो बोला ना आपने, बट लो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। फ्रेश है ब्रेड, ये पेस्ट्रीज लाई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरे फेवरेट बेकरी बिस्किट, मैं ये वाले बिस्किट बहुत ज्यादा खाती हूँ। बेकरी बिस्किट निकालना, एंड यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगाया है फ्रेंड्स, जो हमारे ऑफिस वालों ने फ्लावर बुके दिया था हमारी एनिवर्सरी पे, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा सूख रहा था तो मैंने पानी में डाल दिया। और यहाँ पे मुरब्बा आपने हम लेके आए, नहीं मैंने अखरोट लाए आज। एक्चुअल मैं, मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिस वजह से मुरब्बा अखरोट एंड ऑल मैं सारी चीजें खा रही हूँ, गार्लिक एंड ऑल। तो मैं गार्लिक वाला वो दिखाना, गार्लिक वाला जो मैं ये लेके आई हूँ पिकल, तो यहाँ पे मैं लहसुन का अचार भी लेके आई थी मुरब्बा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। और आज मैं अखरोट लेके आई हूँ स्पेशली फॉर कोलेस्ट्रॉल, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्यों, इसको भी खाना, वैसे उन्होंने तोड़ के दिया था, कितने बहुत अच्छा है मैडम, अच्छे है, फ्रेश टेस्ट करने के लिए। यार ये वो ना गुरुद्वारे के ऑपोजिट थे, गुरुद्वारे के पास ही थे, ऑपोजिट नहीं थे, बिल्कुल साथ थे। एंड फ्रेंड जैसे आपने मार्केट में देखा, हमने दिखाया आपको वीडियोस में, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी आए हुए हैं। अभी ये खा रही हूँ, टेस्ट करके बताना कैसा है ये अखरोट। अभी तो फिलहाल मैंने मुरब्बा खाया, अभी तो उसका ही स्वाद आ रहा है मेरे मुंह में। मुरब्बा सुबह खाली पेट खाना होता, मैंने सुबह खाया था खाली पेट, सुबह भी खा लूंगा। तब उठते नहीं है ना आप, सुबह 9 बजे होती है, ठीक है। स्मेल तो नहीं है ना, मैं बोल रही थी मेरा फ्रेश तो है ना। ऐसे खाते वो ऑयल, देखो इसको नजदीक से लेना, इधर आओ लाइट में, ये देखिए फ्रेंड्स जो दुकान वाले होते हैं, कितना ऑयल है इसमें, ब्लर हो रहा है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करो आप देख सकते हैं कितना ऑयल है इसमें। सो ये है बादाम अखरोट भाई, आज आपको हुआ हुआ क्या है, अखरोट को बादाम बोल रहे हैं, लहसुन को अदरक बोला जा रहा है। लहसुन को अदरक तो नहीं बोला मैंने, आपने बोला, और इसको भी पूरा बादाम नहीं बोला, वो ही बोला सिर्फ, बहुत मैं फीलिंग समझ गई थी आपकी। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी, मैंने कपड़े भी धो दिए, कुछ कपड़े बाहर लगा दिए, कुछ अभी मशीन में है। और यहाँ पे मैंने नहाने जाना है अभी, मैं क्योंकि ये सो के उठे हैं और इन्होंने बिस्तर भी नहीं बनाया है अभी तक, आप देख सकते हैं धूप लग रही है, बिस्तर पर धूप, मतलब कैसे लग रही है विंडोज, इतनी सी धूप से कुछ नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ और ये हम लोगों का एक नॉर्मल सा छोटा सा व्लॉग था जो कि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। अब आज हम लोग अपने ऑफिस में आई थिंक क्लीनिंग वगैरह करवाएंगे, तो उसका व्लॉग अगर मैं बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। और हमारे चैनल को खूब ज़्यादा प्यार दीजिए, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। एंड बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।